दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल विमल क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं कटिंग डालने जा रहा हूँ वो कटिंग है एप्रन, जो डॉक्टर लोग पहनते हैं एप्रन, ये लॉन्ग एप्रन है। इसका जो सीना है 42 इंच सीना है, 40 इंच इसका पेट है, 46 इंच इसकी हिप है लेडीज है ये, और 36 इंच इसकी हम लंबाई रखेंगे, 17.5 इंच इसका शोल्डर है और 23 इंच इसकी आस्तीन है। 42 सीना, 40 कमर, 46 इंच हिप, 36 इंच इसकी लंबाई, 17.5 इंच इसका शोल्डर और 23 इंच इसकी आस्तीन है। तो लेडीज एप्रन है ये, डॉक्टर लोग जो पहनते हैं। तो इसकी कटिंग करने में जा रहा हूँ। सबसे पहले हम कपड़े को उल्टा कर देते हैं। 1 मीटर 70 सेंटीमीटर मैंने इसका कपड़ा लिया है। दोस्तों इसमें लगभग, वैसे मैं काट सकता हूँ इसे अरज से, अरज के हिसाब से ही, क्योंकि इसकी हिप ज्यादा है तो इसका हमें कम से कम यहाँ से 15 इंच तो लेना पड़ेगा। तो मैं इसको पलट लेता हूँ, लेकिन फिर वो कपड़ा उधर पूरा नहीं बचेगा, साबुत नहीं बचेगा, तो इसलिए सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। लगभग ये आ जाएगा 46 इंच है तो 11.5 इंच आइडिया ले रहा हूँ मैं, और 1.5 इंच में मार्जिन रखा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लगभग 15 इंच पे फोल्ड कर देते हैं कपड़े को। पंद्रह इंच की तय मैंने इसकी फोल्ड कर दी है। या इसको मैं उल्टा करके, फोल्ड ना करके इसको मैं इस तरीके से ले लेता हूं। एक ही बात है क्योंकि साबुत पीस हमारा इधर से बच जाएगा। नहीं, फिर दो लंबाई नहीं आएंगे, इस तरह नहीं, इस तरह 15 इंच का फोल्ड किया जाएगा। सॉरी, बताऊंगा मैं क्यों इस तरह फोल्ड किया मैंने आपको, क्योंकि या तो इसकी दो लंबाई होती तब चलता। ये देखिए 15 इंच मैं इसको फोल्ड कर लेता हूं। इस तरीके से मैंने इसको 15 इंच पे एक फोल्ड कर दिया है। पंद्रह इंच कपड़े को मैंने फोल्ड कर दिया है और इसको मैं बिल्कुल सीधा बिछा लेता हूं, क्योंकि तभी हमारे सारे निशान बिल्कुल सीधे आएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले एक करीब 1.25 इंच में हम इसका नीचे मोड़ने का ये निशान लगा देते हैं। दोस्तों यहां से 36 इंच इसकी हमारी लंबाई है, तो एक मैं 36.5 इंच रख देता हूँ इसकी लंबाई। 36 है, 36.5 इंच, 36.5 ही लंबाई रखी है और 36.5 में मैंने निशान लगाया। बैक काट रहा हूँ इसकी मैं, देखिए 36.5 इंच में मैंने एक निशान लगा दिया है। 36.5 इंच इसकी लंबाई रखी है मैंने और 42 इंच इसका सीना है, तो दोस्तों चौथाई बैठता है 10.5 इंच, लेकिन ये लेडीज है तो इसलिए इसका वैसे तो 9.5 इंच ही बहुत है, तो मैं फिर भी इसका 10.5 इंच रख देता हूँ, क्योंकि अगर ये जेंट्स होता तो मैं इसका 10.5 ही मुड्डा काटता, तो थोड़ा लूज होता है ये, लेकिन लेडीज है, लेडीज का मुड्डा थोड़ा छोटा काटा जाता है, इसलिए मैंने 10.5 इंच इसका मुड्डा गिराया है। यहाँ से 7 इंच पे मैंने कमर का निशान लगाया है इसका, ये देखिए। अब इन निशानों को दोस्तों हम उठा लेते हैं। अब दोस्तों यहां से एक निशान मैंने उठाया है करीब 2 इंच का, और यहां से करीब
पौना इंच, और यहां से मैं इसको उठा रहा हूं सवा इंच ऊपर, और ये सवा इंच टीक का ये निशान एक हम ये उठा लेते हैं, हल्के से दो तार हम ये कमर की शेप दे देते हैं। अब दोस्तों यहां से इसका जो तीरा है 17.5 इंच है, तो 17.5 का आधा हुआ 9.25, और आधा ही दबाव का 9.25 इंच पे हम एक निशान लगा देते हैं इस अगले वाले निशान से, और यहां से हमने 1 इंच इसको नीचे गिराया है। अब टीक का निशान दोस्तों 42 इंच का सीना है, 42 का स्केल आएगा 21 इंच, ना सॉरी 42 का स्केल आएगा 20 इंच, 20 पे हम ये टीक का निशान लगाते हैं, टीक का निशान लगा दिया, इस निशान को हम यहां मिला देते हैं। अब दोस्तों ये देखो जितना ये यहां आता है, ये देखिए आप ये 9.25 यहां से लगाया ना, जो निशान यहां तक आ जाता है ये जहां तक कपड़ा है 10 इंच एक सूत, तो इस बिल्कुल सीधा निशान लग जाएगा, ये निशान हमने 10 इंच एक सूत ये लगा दिया है, इस निशान को हम बिल्कुल ही सीधे उठा देते हैं। अब दोस्तों इसका 42 इंच सीना है, तो 42 का चौथाई हो गया 10.5 इंच, ये एक मैंने 10.5 इंच पे निशान लगाया है, और दोस्तों 1.25 इंच मैंने इसे आगे बढ़ा दिया है। इसी तरह इसकी कमर 40 इंच है, तो ये 10 इंच पे एक निशान लगाया है और 1.25 इंच मैंने आगे बढ़ा दिया है। अब दोस्तों हिप का निशान लगता है, यहां से 25 इंच नीचे आप लगाइए, ये 25 इंच पे, और इसकी हिप है 46, तो ये 11.5 इंच आया, और 1.25 इंच हमने ये आगे बढ़ा दिया। अब दोस्तों एक चीज विशेष ध्यान रखना कि जितना हमारा ये यहां से यहां हिप का आया है, इससे 0.25 इंच हमें नीचे आगे बढ़ाना है, ये आया हमारा 12.5, तो इसको हम रख देंगे 13.5 इंच नीचे से, ये देखिए यहां से 0.25 इंच ज्यादा। अब इन निशानों को सेफ पट्टी से मैं उठा दे रहा हूं, दबाव इसमें सामने में रखेंगे, बैक में नहीं रखेंगे हम। निशान को लगभग हम शेप दे देते हैं इस तरीके से, ये मिला दिया मैंने, और यहां से करीब 0.5 इंच अंदर लीजिए आप, ज्यादा नहीं बस, और ये हमने मुड्ढे का निशान लगा दिया है। और दोस्तों यहां से 11.5 इंच पे हम एक कट का चाक का निशान लगाएंगे, क्योंकि लंबाई ज्यादा रखी है इसलिए 11.5 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है पीछे कट का। अब दोस्तों मैं इसकी कटिंग शुरू कर देता हूं, जी होता है अप्रैल, क्योंकि ये कुर्ते के शर्ट के ऊपर ही पहना जाता है, इसलिए इसको हम थोड़ा लूज ही काटेंगे। अब दोस्तों इसकी मैं सामने कटिंग करने जा रहा हूं, अगर हम दो लंबाई लेते तो इस तरीके से आ जाता, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा हमारा कपड़ा बच जाता है। अब ये देखिए यहां पे हमारा मुड्ढा फंस जाएगा इसका, आस्तीन हमारी 23 इंच है, ये देखिए यहां से निसाब लगा लीजिए तो 25 इंच हमारे लिए बहुत है, ये फिर भी 28 इंच कपड़ा है, आस्तीन एक इधर से आ जाएगी, एक आस्तीन हमारी इधर से आ जाएगी। इस जगह पे ये देखिए, इस जगह पे हमारा मुड्ढा आ जाना चाहिए, इस जगह पे ये कपड़ा नीचे खाली है यहां तक है, क्योंकि इसका फैशन मैं इसी में काट रहा हूं, लगत फैशन इसका बनेगा,
ये देखिए, काटते काटते आइडिया हो जाते हैं कि हमें कैसे फंसाना है, कपड़े को कैसे हमें बचाना है। तो पहले मैं हल्का सा आइडिया इसमें लगा देता हूँ। 2.5 इंच इसमें हमने लूजिंग रखनी है और 1 इंच का हमने इसमें मार्जिन रख देना है। और ये हो गया हमारा 10.5, 42, 11.5, 46। ठीक है दोस्तों, ये हमारा, ये देखिए, इसमें मैं करीब 4.25 इंच का एक फैशन भी काटूंगा सामने, लगत फैशन इसी का लग जाएगा। इसमें कारीगर को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैक मैंने ली है, ये देखिए लगभग 1 इंच हम सामना बड़ा रखेंगे। तो देखिए मुड्डा मेरा सीधे यहाँ कटिंग में फंस गया, ये देखिए यहाँ पे ना। अब इन निशानों को हम लगभग यहाँ से 1 इंच हमारा सामना डाउन रहेगा, तो 1 इंच कपड़ा छोड़ के हम इसको ये निशान उठा देते हैं। ये 1 इंच मैंने बड़ा रख दिया नीचे और इन निशानों को मैंने ये उठा दिया है। दोस्तों मेरी एक आदत है, चाहे मेरे को नुकसान हो जाए लेकिन मैं कस्टमर को कभी भी गलत काम नहीं दे सकता हूं। ये मेरे जो मैंने अपने यहाँ मास्टर जी रखे हुए हैं, उन्होंने काट दिया था, लेकिन उस बेचारे को जितना काम आता था वो उतना ही करेगा, तो मैं दूसरे बना रहा हूँ। ये देखिए, ये उन्होंने बनाया है तो ये बिल्कुल ख़राब कर दिया है उसने। इसमें ये जो फैशन रखे हैं शर्ट पट्टी की तरह रख दिए हैं, ये फैशन ना ही इसमें उसने कुछ चिपकाया है, तो बस मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने इसे खुद ही काटने की वो ली है, इसको कारीगर को ये भी नहीं पता कि पॉकेट कहाँ लगेगी। अब क्या कहें सीखने वाले, बस ये देखिए आप। अब ये नाप लीजिए कितना है हमारा, ये हमारे बाद में काम आएगा। ये 6.5 इंच आया हमारा शोल्डर से, तो इसको हम 6.25 इंच रखेंगे बाद में, 2 सूट कम। अब ये निशान देखिए दोस्तों, मैं उठा दे रहा हूँ, हल्के हाथ से निशान उठा रहा हूँ, नहीं तो ये वाइट कपड़ा है ये दूसरे में छप जाएंगे। यहाँ से एक निशान उठाना मैं इसका भूल गया, तो मैंने 25 इंच लगाया था हिप का निशान, तो मैं देखिए दोस्तों 25 इंच पे मैं निशान हिप का लगा दे रहा हूँ, मैं निशान उठाना भूल गया। ये देखिए, और ये लंबाई का भी निशान मैं उठा दे रहा हूँ। अब दोस्तों फैशन इसमें लगत है, मैंने इसमें 2 इंच भी कपड़ा खराब नहीं कराया, बिल्कुल पूरा पूरा मैंने इसमें कपड़ा काटा था, क्योंकि मेरे को आइडिया था। देखिए यहां से 4.25 इंच इसमें मैं छोड़ रहा हूं फैशन का, और यहीं से हमारे सब हिसाब शुरू होंगे आगे। ये देखिए इन निशान को मैं हल्का उठा लेता हूं, नहीं तो बाहर चमकेंगे ये। ये देखिए अब निशान मैंने सीधा उठा लिए, हमारे फैशन इसी में पलट जाएंगे, यही हम लट्ठा पेस्टिंग इसमें चिपका देंगे। अब दोस्तों देखिए, इसका सीना है 42 इंच, तो मैंने ये निशान लगाया 10.5 इंच, 1/4। ठीक है दोस्तों, अब तख्ती का निशान हमेशा 1 इंच पीछे लगता है, 10.5 हमने ये रखा और 1 इंच पीछे हमने निशान उठाया। ये हमारा निशान आया दोस्तों करीब 9.25 इंच, 9.25 इंच हम यहां से रख देंगे। ये देखिए इस निशान को हम सीधे उठा देंगे, अब ये कैसे निशान लगेगा हाले का देखिए, इसके और इसके इसको आधा कर दीजिए। ये आया हमारा 9.25, 9.25 का आधा आ गया हमारा 4.5 इंच, 1 सूत,
पौना इंच आप इधर खिसकाइए, बंद गले कोट का भी यही हिसाब है। ये हमारा हाले का निशान आ गया। अब दोस्तों वो आया था हमारा कितना, 6.5 इंच, तो यहाँ से 1.75 इंच पे हम एक निशान उठा देंगे, ये उठाया मैंने, और यहाँ से 1.25 इंच लगभग नीचे डाउन कर दीजिए और इस निशान को आप इस तरीके से उठा दीजिए और यहाँ से लगभग 1.25 इंच आप पीछे लीजिए और ये हमारा मुंडे की गोलाई हो गई। इसको ये गोलाई मैंने दे दी है। अब लूजिंग पे आ जाइए दोस्तों, ये देखिए 10.5 इंच सीने का चौथाई, 42 इंच सीना है, 10.5 रखा, यहाँ से 2.5 इंच हमने आगे बढ़ा दिया, ये देखिए। इसी तरीके से 40 इंच इसकी कमर है, तो 10 इंच और 2.5 इंच मैंने आगे बढ़ा दिया। हिप इसकी है 46, तो 46 का चौथाई हो गया दोस्तों 11.5 इंच, ये रखा मैंने और 2.5 इंच मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ 1.25 इंच ज़्यादा रखना है, ये आया हमारा 14.5 इंच, तो ये रखेंगे हम 14.5 इंच पे, कि मैंने निशान लगा दिया। अब इन निशानों को दोस्तों हम उठा लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और पहले हम ये निशान मिलाएंगे, ये देखिए दोस्तों, और फिर हम इसको इस तरीके से ही मिला देंगे। और दोस्तों यहाँ से इसमें हम लगभग 1.75 इंच का मार्जिन रख देंगे और ये हमारा नीचे से मार्जिन कम आएगा, करनी आ गई इसमें, लेकिन लूज करना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं इसको रख दे रहा हूँ। ये देखिए ऊपर ही ज़्यादा लूज टाइट करना होता है, नीचे से सही आएगा ये। अब दोस्तों ये आया मेरा लगभग 3.5 इंच, एक सूत यहाँ से हम रखेंगे 3 इंच और इसको 0.5 इंच ऊपर क्रॉस करके हाले का निशान लगा देंगे। ये हाले का मेरा निशान लग गया है और यहाँ से 1.25 इंच अंदर निशान लगाइए जहाँ हमारी नपेल टूटेगी जहाँ से, और ये हम नपेल का निशान लगा देते हैं। इसमें जितना हमें कॉलर रखना होगा उसको हम ये कर देंगे। अब दोस्तों एक लगभग 5 इंच बाई 6 इंच का हम निशान लगाएंगे, 5 बाई 5.5 का लगा दीजिए, लेडीज है, और ये लगाया। अब दोस्तों यहां से लगभग 4.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, ये निशान लगाएंगे हम 6 बाई 7 इंच की, एक पॉकेट 6 इंच बाई 7 इंच की, ये देखिए 6 बाई 7, यहां लिख देता हूं 6 इंच बाई 7 इंच की, ये 7 इंच हल्के राउंड दे देंगे इसमें। दोस्तों ये मेरी एप्रन की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, एक यहाँ से लगभग 1.25 इंच नीचे, सामना थोड़ा डाउन कर देते हैं इसका, ये देखिए इस तरीके से और इस तरीके से, ये हमारी एप्रन की कटिंग हो चुकी है। अभी आस्तीन इसकी काटनी बाकी है, वो मैं काटता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक कुटका लगा देते हैं ताकि कारीगर को पता रहे कि इतना आगे इसमें मार्जिन है। इसको भी मैं हाथ के हाथ दोनों पल्ले अलग अलग कर देता हूँ, कटिंग कर देता हूँ, कारीगर कम ज्यादा कर दे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये दोस्तों हमारा सामना हो गया, इसके ऊपर हमने ये बैक रख दी है,
अब दोस्तों नीचे से उठाना बेटा, इसकी मैं अस्तीनें काट रहा हूँ। अब देखो ये सीधा पल्ला मैंने बिछाया है, लगभग पूरी पूरी आएगी दोस्तों इसमें अस्तीनें। ये हम सीधे से सीधा मिला देंगे तो दोनों हाथों की अस्तीनें अलग अलग बनेंगी। एक एक अस्तीन काट रहा हूं, चलो दोनों ही काट देता हूं। ये सीधे पल्ले से, ये सीधा है, ये सीधा है, सीधे से सीधे मिलाएंगे। ये नहीं कि एक पल्ला उल्टा रखा है आपने और एक पल्ला सीधा रखा है। देखिए इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। अब दोस्तों मैंने जो काटी थी इसकी मुड्डा 10.25 इंच काटा था, तो ये यहाँ आ रहा है, यहाँ से हमारा ये 9.25 इंच आना चाहिए जहाँ से हमने ये डाउन देना है। यहाँ से लगभग 4.25 इंच के आसपास मैं ये डाउन दे दे रहा हूँ। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इस निशान को ये सीधा उठा दिया मैंने और यहाँ से लगभग ये 4.25 इंच का मेरा यहीं आएगा, क्योंकि आगे तो मार्जिन भी आएगा इसमें। और यहाँ से हमने 10.25 इंच इसका मुड्डा काटा था, आधा इंच कम यहाँ आना चाहिए, तो आना चाहिए 9.25 इंच। दोस्तों ये 9.25 इंच आ गया। इसकी अस्तीन है 23.5 इंच, तो ये 23.5 आधा इंच ऊपर मुड़ जाएगी। 24 इंच में हम एक ये निशान लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों इसको यहाँ से 0.25 इंच क्रॉस कीजिए और लगभग 1-2 इंच मार्जिन इसमें रख दीजिए। दोस्तों ये लूज होते हैं अस्तीन ना, किसी भी उसके ऊपर पहनी जाती है, इसलिए इसके 11 इंच हम मोहरे तैयार रखेंगे। तो यहाँ से हमने 6 इंच रख दिया, 11 इंच तैयार आ जाएगी। अब इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे, ये देखिए, और ये रख दिया। हमने सामने में मार्जिन रखा था, तो हम मार्जिन जब भी काम करेगा जब हम अस्तीन में भी मार्जिन रखेंगे, तो मैं इसमें ऊपर ही ऊपर मार्जिन रख देता हूँ। ये देखिए यहीं तक केवल ये पुक्का लगा दूंगा मैं, ताकि कारीगर को ये पता रहे, क्योंकि अगर लूज करनी पड़ेगी यहीं पे हमें कपड़ा चाहिएगा, अगर लूज करना पड़ सकता है तब, इसलिए मार्जिन जरूर रखना चाहिए। दोस्तों इसकी कटिंग मैं शुरू कर रहा हूं। देखिए केवल मैंने थोड़ा सा ऊपर ऊपर मार्जिन रख दिया है इसमें। यहाँ से अब सामने के पल्लों में 0.25 इंच का खड्डा हम दे देंगे। मेरे को इन चीटियों से निशान लगाने की जरूरत नहीं है, आइडिया है मेरे को। ये देखिए 0.25 इंच मैंने सामने में खड्डा दे दिया। ये देखिए ये अस्तीन मेरी कट चुकी है और ये मेरे सामने कटे हैं और ये मेरी एप्रन की कटिंग कंप्लीट हो गई है। दोस्तों मेरी कटिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास आती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।